आखिर कैसा होगा सालों के बाद सुकुमार और अल्लू अर्जुन का कोलैबोरेशन? क्या कहा अल्लू अर्जुन ने फिल्म और अल्लू अर्जुन संग काम करने के एक्सपीरियंस पर? और क्या कहते हैं देवीश्री प्रसाद अपने म्यूजिक पर? हेलो एंड नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी और स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री की अपकमिंग इनफैक्ट दोस्तों मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा के बारे में, जिसमें मेन लीड्स में नजर आएंगे एक्टर्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना। फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि फिल्म को एक नहीं बल्कि 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में तैयार किया जाने वाला है। देश भर में दोस्तों अलग अलग कोने से फैंस का एक कला की बेस तैयार हो चुका है। सभी अल्लू अर्जुन की इस नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी है। हाल ही में फिल्म का गाना दक्को दक्को मेकर रिलीज हुआ है, जिसके बाद दोस्तों फैंस में और भी ज्यादा प्यार उमड़ गया है। गाने को कंपोज किया है देवेश प्रसाद ने और दोस्तों जो एक लंबे अंतराल के बाद सुकुमार और अल्लू अर्जुन के साथ वापसी काम करते नजर आए हैं। दोस्तों बता दूं कि तीनों ने लास्ट 2009 में कोलैबोरेट किया था, उसके बाद इस सॉन्ग से एक बार फिर उस कदम को आगे बढ़ाया है। अब देवी बहुत ही खुश थे कि उन्होंने दोबारा एक चांस मिला। कंपोज किया पुष्पा के पहले ट्रैक को लेकर दोस्तों बता दूं कि देवी श्री प्रसाद को से बातचीत में उन्होंने साउंड ट्रैक के बारे में बताया और मेंशन किया कि कैसे ये सॉन्ग को बेहद अलग करता है। दोस्तों बता दूं कि देवी श्री प्रसाद का कहना है कि पुष्पा में हम अनएक्सपेक्टेडनेस को एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोस्तों बता दूं कि अल्लू अर्जुन और देवी ने कुछ वर्षों पहले कई प्रोजेक्ट्स में हाथ मिलाया था, मगर इन तीनों की साथ में परफॉर्मेंस एक लंबे समय के बाद आ रही है। उन्होंने फिल्म के बारे में भी कहा कि फिल्म अपनी सब्जेक्ट की वजह से डिफरेंट और यूनिक साबित होती है। सुकुमार सर की तारीफ करते हुए उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने जिस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया है वो बहुत ही यूनिक और कंपोजर मिस्टर देवी की बातें सुनकर कुछ बातें सामने आई हैं दोस्तों, जिनसे ये साफ जाहिर हुआ है कि केवल फैंस नहीं बल्कि खुद अल्लू अर्जुन और सुकुमार भी उनके सॉन्ग एल्बम को लेकर काफी उत्साहित थे। अपनी कॉम्पोजिशन पर उन्होंने बताया कि फिल्म की थीम को देखते हुए उन्होंने दक्को दक्को मेकअप प्रिपेयर किया और यही वजह है कि सॉन्ग से पुष्पा की पर्सनालिटी की हिंट्स मिलती हैं। दो हिस्सों में डिवाइड की जाने वाली ये मूवी के फर्स्ट पार्ट को इस साल क्रिसमस में रिलीज किया जाएगा। बहुभाषी फिल्म होने के कारण दोस्तों सुकुमार अपने अभी बहुत सारे कामों का बोझ फिल्म के रिलीज होने के बाद ही वो बर्डन फ्री हो पाएंगे। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर है भूमिगत त्रिपाठी।